हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन राधे क्रिएटिव फिंगर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप घर पर ही हेवी झुमके बना सकते हैं, वो भी घर पर रखी पुरानी राखियों से। तो मैंने यहाँ पर ये जो मेरी चूड़ा राखी के अंदर आए थी लटकन में, तो मैंने यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने एक वाइट बीट्स की एक लेस ली है और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक क्राफ्ट वायर, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। फैंसी आइटम जहाँ पर लीस वगैरह मिलती है उसी शॉप पर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने इसे इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया है। यह कटने में बहुत आसान होता है, इसे कटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये इजीली फोल्ड भी हो जाता है। इसको ज़्यादा प्रेशर दिए बिना ये फोल्ड हो जाता है और हम इसे चाहे उसी तरीके से मूव करा सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ वाइट बीट्स लिए हैं और सबसे पहले मैंने इसे वायर में डाल के और इसे सिक्योर कर देते हैं। और आप इसे अच्छे से सिक्योर करें, साथ में ही वायर को अच्छे से स्ट्रेट कर लिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इजीली स्ट्रेट हो जाता है। अगर आपके पास में ज्वेलरी बनाने के टूल्स है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम इसे हाथों से भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से यही प्रोसेस मैंने दूसरे वाले वायर पे अप्लाई की है। तो मेरे दोनों वायर में मैंने बीट लगा दिया। उसके बाद में मैंने ये लेकर इसमें अंदर से इसे पिरो दिया है, क्योंकि मैं दो झुमके बनाने जा रही हूँ। ऑब्वियसली झुमके दो होते हैं, तो मैं दोनों को साथ बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीट्स, इसमें मैंने यहाँ पर 10 बीट्स, जितना बड़ा आपको झुमका चाहिए आप उतने ही ज़्यादा बीट्स इसमें यूज। तो मैं इसमें लगभग 10 बीट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसी साइज का झुमका चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लास्ट में मैंने झुमके की डिज़ाइन में लगाया, ये मुझे कहाँ से मिला? तो मैंने वीडियो में बताया कि आप पुरानी राखियों से यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे भी ये चूड़ा राखी जो आती है उसमें आया था। अब इसके बाद मैं इसे ऊपर से फोल्ड करती हूँ। उसके बाद मैं जंप रिंग को इसमें अटैच करके और फिर उस वायर को मैं पूरी तरीके से उसको राउंड कर दूंगी, उसके अच्छे से वार्प कर दूंगी, जिससे मेरी जंप रिंग है वो ऊपर की तरफ रहे, जिसमें मैं इयररिंग हुक को अच्छे से अटैच कर सकूं। तो ये मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ से जंप रिंग एक्स्ट्रा वायर को मैं कट कर देती हूँ। आप इसके लिए वायर कटर का यूज़ करें, अभी मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रोसेस मैं दूसरे वाले झुमके पर अप्लाई करने जा रही हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने जितने बीट्स यानी 10 बीट्स इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। 10 बीट्स कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद में मैंने जंप रिंग को लिया है और वायर को इस पर अच्छे से वार्प कर दिया है और मेरी जंप रिंग ऊपर की तरफ रह गई है और एक्स्ट्रा वायर को मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा आधा झुमके का काम रेडी हो चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पर इयररिंग हुक लगाने जा रही हूँ। तो दोनों पर मैंने इयररिंग हुक लगा दिए हैं। अब इसके बाद में मेरा फाइनल है, मैं यहाँ पर ये वाइट बीट्स का जो सर्कल था वो मेरे पास था, राखी में आया था, वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप एक एक बीट को यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब मेरे पास ये वाइट बीट की एक चेन रखी हुई थी, या लेस जिसे कहते हैं, वो थी। तो मैं इसमें एक अच्छा लुक देने के लिए इसे यहाँ पर इस पे स्टिक कर देती हूँ। इसे हमें केयरफुल स्टिक करना होगा। ग्लू गन को अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो यह बार बार उतरती है और इसमें फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि यह अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये मेरी दोनों पे स्टिक होने वाली है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नाम से है, राधे क्रिएटिव फिंगर्स के नाम से। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है या फिर ये आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप फर्स्ट बार अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आप मुझे देखकर बताइए कैसा लगा आपको,
कैसे लग रहे हैं झुमके वियर करने के बाद में, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।